बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छी सेहत में होंगे और पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। आज हमने पढ़ना है एसे। आज से हमारे लेसन में एसेज शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ एन एसे देता चलूँ। An essay is generally a piece of writing on a topic that gives the author's own argument. के एक मज़मून आम तौर पर राइटिंग का एक ऐसा हिस्सा है जो एक उनवान पर लिखने वाले के अपने दलाइल को पेश करता है। Parts of an essay, एक मज़मून के हिस्से। रिवायती तौर पर एक मज़मून के तीन हिस्से होते हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यानी कि तारुफी पैराग्राफ, द बॉडी पैराग्राफ्स यानी कि नफ्स मज़मून का पैराग्राफ होगा या पैराग्राफ होंगे, एंड द कंक्लूडिंग पैराग्राफ और इख्तितामी पैराग्राफ। टाइप्स ऑफ एसेज, देर आर ऑलमोस्ट 17 टाइप्स ऑफ एसेज। तकरीबन हमारे पास 17 किस्म के मज़ामीन है। ये कुछ लोग 17 कहते हैं, कुछ 15 कहते हैं, कुछ 18 कहते हैं, तो इसमें कंट्रोवर्सी है। बहरहाल, बट वी गो थ्रू 5 to 6 टाइप्स ऑफ एसेज इन आवर लर्निंग। लेकिन हम हमारी तालीम में, ये जो 10th के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 5 से 6 किस्म के मज़ामीन से हमारा ताल्लुक होता है। नंबर 1, एक्सपोजिटरी एसे। दिस टाइप ऑफ एसे इन्वेस्टिगेट्स एन आइडिया और ओपिनियन। इस किस्म के मज़मून में हम किसी ख्याल या किसी राय की तहकीक करते हैं। लाइक सोशल एसे, जैसे कि हमारे पास समाजी मज़ामीन है, सोशल इश्यूज़ जिसमें करप्शन आती है, जिसमें पोल्यूशन आ जाती है, जिसमें और इसी किस्म से रिलेटेड मसाइल आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐसे भी इसी किस्म में आता है। नंबर 2 पर डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। दिस टाइप ऑफ ऐसे डिस्क्राइब्स समथिंग, एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, एन इवेंट और प्लेस। क्योंकि इस किस्म के मज़मून में आप किसी शय को या किसी शख्स को या किसी वाक्य को या किसी जगह को बयान करते हैं। इट डिस्क्राइब्स गुड डिटेल्स टू पिक्चर एंड इमेजिन। ये इस किस्म के ऐसे में, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में, आप अच्छी तफसील देते हैं और उस जगह की तस्वीर और उस जगह का तसव्वुर भी आप बयान करते हैं। नंबर 3 पर है जी नैरेटिव ऐसे, बयानिया मज़मून जिसको हम कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एसे हैज़ अ सिंगल मोटिव। इस किस्म के मज़मून में सिर्फ एक मकसद होता है, सेंट्रल पॉइंट यानी कि नुक्ता नज़र या मरकज़ी नुक्ता नज़र कह दें। ऑल इंसिडेंट्स, तमाम वाकयात, हैपनिंग्स भी वाकयात, एंड करेक्टर्स और किरदार रिवॉल्व अराउंड दैट सिंगल मोटिव, उस वाहिद मकसद के गिर्द घूमते हैं। मिसाल के तौर पर रोड एक्सीडेंट हो गया, अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, विजिट टू द जू, विजिट टू अ म्यूजियम एट्सेट्रा, नैरेटिव टाइप ऐसे में आते हैं। नंबर 4 पर कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, इनके मुवाजना करना। दिस टाइप ऑफ ऐसे एनालाइजिस टू सब्जेक्ट्स। इस किस्म के मज़मून में दो मज़ामीन यानी कि दो मौजू का तज्ज़िया किया जाता है, एंड इल्यूमिनेट्स डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स। और इन दो मज़ामीन के दरमियान जो मुमासलत और फ़र्क पाया जाता है उसको उजागर किया जाता है, जैसे सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, इनके शहरी और देहाती ज़िंदगी का मुवासना, वॉर एंड पीस, जंग और अमन। नंबर 5 पर परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसे, इनके कायल करने वाले या दलील देने वाले मज़मून। दिस टाइप ऑफ ऐसे कन्विंसेस रीडर्स। इस किस्म के मज़मून में हम पढ़ने वाले को कायल करते हैं टू बिलीव एन आइडिया और ओपिनियन।
कि वो एक ख्याल या राय पर यकीन कर ले टू डू एन एक्शन, ताकि फिर उस पर वो अमल करे। जैसे हमारे पास राइजिंग प्राइस है, बड़े लेवल का ऐसे है, यानी कि बड़े लेवल से मुराद इस किस्म का ऐसे हम ज़्यादातर बी ए बी एस सी में पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, आपको मालूम है ग्लोबल वार्मिंग एक सोशल इशू भी है। नंबर सिक्स पर रिफ्लेक्टिव ऐसे, यानी कि ऐसा मज़मून जो किसी वाक्य को याद करने के हवाले से हो। दिस टाइप ऑफ ऐसे डिस्क्राइब्स द राइटर्स ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, इस किस्म के मज़मून में मुसन्निफ़ अपने तजर्बात को बयान करता है। ही और शी, यानी कि मुसन्निफ़ लिखने वाला मर्द है या औरत है, इसे मीन्स एक्सपीरियंसेस एंड सरकमस्टांसेस ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी के तजर्बात और हालात को बयान करते हैं। जैसे वर्ल्ड विदाउट वॉर्स का एक ऐसे हमारे पास है, इनके दुनिया जंगों के बगैर। आफ्टर यू हैव लर्नड द टाइप्स ऑफ एसेज, नाउ वी आर गोइंग थ्रू द फर्स्ट एसे इन आवर सिलेबस, माई लास्ट डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा आखिरी दिन। बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे है। कोटेशन से आगाज़ हो रहा है, योर स्कूलिंग मे बी ओवर, हो सकता है आपकी स्कूल की तालीम मुकम्मल हो गई हो, बट लेकिन रिमेंबर, याद रखें योर एजुकेशन स्टिल कंटिन्यूज, कि आपकी तालीम जारी रहती है। द फर्स्ट एंड लास्ट डेज एट स्कूल, स्कूल में पहला और आखिरी दिन, आर ऑफ यूनिक सिग्निफिकेंस फॉर स्टूडेंट्स, तुलबा के लिए बेमिसाल अहमियत के होते हैं। वाइल द फर्स्ट डे एट स्कूल, जबकि स्कूल में पहला दिन में कॉज सबब बन सकता है एनजाइटी, बेचैनी, फेयर, डर एंड नर्वसनेस और घबराहट का, द लास्ट डे श्योरली, आखिरी दिन यकीनन, अ डे ऑफ होप, उम्मीद का दिन है, कॉन्फिडेंस एतमाद का, एंड प्रिपेयरनेस और तैयारी का दिन होता है। स्कूल इज़ अ सेक्रेड प्लेस, सेकेंड पैराग्राफ की पहली लाइन, स्कूल एक मुकद्दस जगह है, इट एजुकेट्स द यंग पीपल, ये नौजवान लोगों को तालीम देता है या देती है। इट इज़ अ प्लेस, ये मकाम है, वेयर द कंक्रीट फाउंडेशन ऑफ अ नेशन, जहाँ एक कौम की ठोस बुनियादें आर लेड डाउन रखी जाती हैं। इट इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमंस, और ये इंसानों के लिए फितरती है, टू लव द प्लेस, कि वो उस जगह से प्यार करते हैं, वेयर दे स्पेंड सम टाइम, जहाँ वो कुछ वक्त गुजारते हैं। माई लास्ट डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा आखिरी दिन, स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी, मेरी याददाश्त में अभी भी ताज़ा है। आई फेल्ट मच रिलैक्स्ड, मैंने बहुत सुकून महसूस किया, बिकॉज देर वॉज नो टीचिंग वर्क दैट डे, क्यों देर वॉज नो टीचिंग वर्क, क्योंकि वहाँ कोई तालीमी काम नहीं था दैट डे, उस दिन। अब ऊपर आपने देखा सिंपल सेंटेंसेज चल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस चल रहे हैं, अब चूँकि आपने इवेंट, लास्ट इवेंट को जिक्र करना, तो पास्ट टेंस शुरू हो गया है। माई हैवी सैचल, मेरा भारी भरकम बस्ता, वॉज ऑफ माई बैक, ऑफ में उतर जाना, मेरी कमर से उतर गया था एट लास्ट, आखिरकार। इट वॉज अ बिग रिलीफ इन डीड, ये बिलाशुबा बहुत सुकून था। आई टुक द बस, मैंने बस पकड़ी, क्वाइट लीजियरली, बिल्कुल सुकून से, बहुत सुकून से, एंड गॉट ऑफ, और उतर गया एट स्कूल बस स्टैंड, स्कूल बस स्टैंड पर। आई थ्रेडिड माई वे, मैंने अपना रास्ता लिया, थ्रू नॉट्स ऑफ स्कूल फेलोज, नॉट्स का मतलब यहाँ पे क्राउड है, हजूम है, स्कूल फेलोज, स्कूल के साथियों के हजूम से, टॉकिंग नॉइजली, जो ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे, जोशीला अंदाज होता है ये, एंड अ गुड मैनी ग्रैपलिंग विद वन अनदर, और बहुत से एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बगल गिर भी हो रहे थे। ग्रैपलिंग का बगल गिर इस वजह से लिखा कि पॉजिटिव मीनिंग का, उस दिन लास्ट डे पे हम एक दूसरे से बहुत जोश से मिल रहे होते हैं, मजाक भी इसमें चल रहा होता है। ऑल फेलो स्टूडेंट्स, द
तमाम साथी तुलबा वर फुल ऑफ होप एंड जॉय, उम्मीद और खुशी से भरपूर थे। कोटेशन, व्हाई डज इट टेक अ मिनट, क्यों एक मिनट लगता है टू से हेलो, हेलो कहने में, एंड फॉर एवर टू से गुड बाय, और हमेशा के लिए खुदाफिज कहने में भी एक ही मिनट क्यों लगता है। वी हैड लिवली कन्वर्सेशन, हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। एज वी न्यू, क्योंकि हम जानते थे, वी वुड नॉट सी वन एंड अदर, क्या हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, काफ़ी अरसे तक। माई ओन फीलिंग्स, मेरे अपने एहसास, एट दैट टाइम, उस वक़्त, वर अ मिक्सचर ऑफ जॉय एंड सैडनेस, खुशी और अफसरदगी से मिले हुए थे। आई वॉज़ हैप्पी, मैं खुश था, बिकॉज आई हैड वर्कड हार्ड, खुश था, मैं खुश था कि मैंने सख्त मेहनत की थी, एंड वॉज श्योर ऑफ माई ब्रिलियंट सक्सेस, और मैं मेरी शानदार कामयाबी पर पुरयकीन था। द थाट, वो सोच, दैट आई वॉज नियरर माई गोल, वो सोच कि मैं मेरे मकसद के करीब था, ऑल्सो मेड मी हैप्पी एंड एक्साइटेड, उसने मुझे खुश किया और पुरजोश कर दिया था। आई हैड स्पेंट माई हैप्पी ईयर्स, ये माई भी ठीक है, मैनी भी ठीक है, मैंने बहुत से या मेरे बहुत से खुशगवार साल गुजारे थे इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। दीज वर द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी के सुनहरे दिन थे। आई हैड मेड न्यू फ्रेंड्स, मैंने नए दोस्त बनाए थे, एंड डिवेल्प लव, और उजागर किया, बढ़ाया मोहब्बत, अफेक्शन, प्यार एंड रिस्पेक्ट फॉर माई टीचर्स, और मेरे साथियों के लिए इज्जत बढ़ाई। नाउ, अब आई वॉज लिविंग दिस इंस्टीट्यूशन, अब मैं ये इदारा छोड़कर जा रहा था। आई फेल्ट अ टच ऑफ ग्रीफ, मुझे अफसरदगी का एहसास हुआ, एज आई वॉज लिविंग ऑल दिस इन द इंस्टीट्यूशन, एज क्योंकि आई वॉज लिविंग, मैं छोड़कर जा रहा था ऑल दिस, सब कुछ, इन द इंस्टीट्यूशन, इस इदारे में। माई क्लासरूम मेमोरीज, मेरी क्लासरूम, कमरा जमात की यादें, थ्रॉन्ग्ड माई माइंड, मेरे जहन में इकट्ठा हो रही थी, बट नाउ, लेकिन अब, ऑल दिस थिंग्स बिलोंग टू द पास्ट, लेकिन ये सब चीज़ें, ये सब बातें माजी से ताल्लुक़ रखती थी। माई आइज वर वेट, मेरी आँखें अफसरदा थी। यहाँ तक स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, ये जो माई लास्ट डे एट स्कूल का ऐसे ही आपने लिखना है और याद करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।